नमस्कार फ्रेंड्स, योगा की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्लाजो से हम लोग मेजरमेंट लेके किस तरीके से हम लोग प्लाजो को ही उस कपड़े पर रख के कैसे कटिंग करते हैं। शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज अपन जो इसकी कटिंग कर रहे हैं, हम प्लाजो के मेजरमेंट से ही कर रहे हैं इसको, कोई हम लोग जो है बॉडी मेजरमेंट से नहीं कर रहे हैं। इसके लिए देखो, ये जो कपड़ा है हमने इसको चौबल कर दिया। पीछे का हिस्सा 1.5 इंच हमें ज़्यादा लेना है, क्योंकि ये हमें हिप के लिए चाहिए। ये इतनी हमें 1.5 इंच हमने इसको एक्स्ट्रा लेके, और हमने इस कपड़े को इस तरीके से पिन अप कर दिया। अब हम लोग इसकी लंबाई ले लेंगे। देखिए, लंबाई में नीचे हमारा मुड़ जाएगा 2 इंच का, इसके लिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है। अब ऊपर जो है ये हम लोगों ने बेल्ट इसकी छोड़ दी है, क्योंकि बेल्ट हम लोगों को इसमें एक्स्ट्रा डालनी है। अब इस प्लाजो को इस पर इस तरीके से इस पॉइंट से मिलाते हुए अटैच कर देना, या एक पिन से आप इसको इस तरीके से हम लोग अटैच कर देंगे। अब यहाँ से ये जो म्यानी है, यहाँ से आप लोग 1-1 इंच छोड़ दो। अगर आपको इंच टेप नहीं आ रहा है इसमें, तो भी आप 2-2 अंगुल छोड़ के इस पर एक निशान लगा सकते हो। इस तरीके से, इस तरीके से इस निशान को लगा दिया तो ये हमारी म्यानी इसमें रेडी हो जाएगी। यहाँ से हम लोग 1-1 इंच मार्जिन का छोड़ के और इस निशान को लगा देंगे इस तरीके से। ये फ्रेंड्स, आप इस तरीके से देखिए, ये म्यानी रेडी है और ये नीचे का रेडी है, और ये हमारा पोंचा भी इससे फिट बैठ जाएगा। कट करते हैं इसकी कटिंग। जो हमने ये निशान लगाया, ये हमारा ये म्यानी का निशान है। ये इस तरीके से कट होने के बाद, ये आप, क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं है इसमें मार्जिन में, तो हम लोग इसको इस तरीके से कट करके और यहाँ से ये कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बिल्कुल कटिंग रेडी है। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, ये बैक पार्ट है, और ये हमने बेल्ट बनाई है, एक बैक की बनाई है और एक फ्रंट की। बैक की बेल्ट जो बनाने वाले हैं वो हमें एग्जैक्ट पीछे वाले कपड़े के बराबर बनानी है, और आगे की जो बेल्ट है वो हमने अभी इतनी ली है, लेकिन ये हमें कमर का आधा लेनी पड़ती है। जितनी भी आपकी मेजरमेंट है उससे आप आधा ले सकते हो। या दूसरी चीज़ कि ये जो हमारे पास प्लाजो जो नाप का है, हम लोग इसके अकॉर्डिंग इसकी नाप का भी ले सकते हैं इस कपड़े को। ये इस तरीके से आप इसको नाप लेना, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारा, तो ये हमारी फ्रंट की बेल्ट रेडी हो जाएगी। जो इस प्लाजो से हमने प्लाजो की कटिंग की है, इसके लिए मैं आपको 2 टिप्स देना चाहती हूँ। फर्स्ट, तो जब हम लोग इस पर बिछाते हैं तो आप जो प्लाजो मेजरमेंट का है उसको एक बार अच्छे से प्रेस कर लेना, क्योंकि अगर उसमें सलवटें होंगी तो आगे वाला कपड़ा भी आगे पीछे आएगा। एंड सेकेंड, जो म्यानी का जो पॉइंट है उसको परफेक्ट मेजर करके और उस पे पिनअप कर लेना आप लोग, ताकि वो कपड़ा कहीं भी आगे पीछे नहीं जाए। फ्रेंड्स, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई समझ में नहीं आया तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इस तरह आप हमारे साथ बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप सिलाई सीखते रहिए। धन्यवाद।